साथ शाहिना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार आपके लिए इस प्रोग्राम में किचन क्वीन जिसका नाम है उसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई डिश और उसे बनाने के नए तरीके। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो रबड़ी, जो कि हमें सिखाएंगी रेखा मोदी जी, जिनके घर पे हम आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सीधा चलते हैं रेखा जी के पास और जानते हैं उनसे मैंगो रबड़ी कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा मोदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी हॉबीज़ क्या है। कुकिंग करना आपकी हॉबीज़ है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छा कुकिंग भी करती होंगी। जी, तो मैम आज आप क्या बनाने वाली हैं। मैंगो रबड़ी। मैंगो रबड़ी, ये आपने कहाँ से सीखी है। ये मैम मतलब घर पे ही देखते बनाते रहते हैं, तो वहीं से। जी, तो शायद कहीं से देख कर नहीं सीखी। हाँ, अपनी खुद की बनाई हुई ये डिश है। जी जी, तो मैम इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सीधा रुख करते हैं कि इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को बनाने के लिए। मैंगो लेना है अपने को, बादाम, ब्रेड, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, शुगर जी और दूध। जी, तो मैम सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले अपने दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ा दिया जी, अगर ये दूध होएगा जी मैंगो छील लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर मैंगो को छील लेते हैं। बीच में अपने को दूध को हिलाना भी है, ये चिपक नहीं जाए। कढ़ाई में चिपक जाता है, तो अपने को बीच में उसको हिलाते रहें। जी, तो यहाँ पर हम दूध को हिला रहे हैं ताकि ये नीचे चेट ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर में आप भी इसको हिलाते रहें ताकि ये चेट ना ही नीचे। यहाँ मैम मैंगो छील रही हैं। मैम, आपने ये दूध किस मात्रा में लिया है। ये आधा किलो दूध है जी, इसमें एक मैंगो है जी। इसको अपन आधा क्रश करेंगे, आधा अपन इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ हमें दूध को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई में चिपके नहीं। मैम, दूध में आपने कुछ और भी मिक्स किया है। इसको उबाली आने के बाद अपन ये कस्टर्ड और थोड़ा ब्रेड का चूरा करके इसमें मिक्स कर देंगे। जी, कस्टर्ड पाउडर और ब्रेड का चूरा। जी, एक बार ये उबाली आ जाए उसके बाद। तो अब हम यहाँ वेट करते हैं दूध में उबाली आने तक। कल इसमें मिल्क मेड में अपने थोड़ा ठंडा दूध डाल के इसको ऐसे मिक्स कराया जी, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। अच्छा, मैम यहाँ मुझे लगता है दूध में उबाली आ चुकी है जी। ये इसमें अपने डाल देंगे, इसमें ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो डाल दिया है। इस साइड की निकाल देंगे। तो मैम अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका ब्रेड का चूरा करेंगे, साइड की रोटी निकाल दिए, साइड की रोटी निकालिए। हाँ जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्रेड का चूरा करने के लिए उसकी साइड की जो रोल्स हैं वो निकाल दी हैं। मैम, ये आपने क्यों निकाली है। साइड का थोड़ा कड़क रहता है ना जी, तो मैश अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, इसके आपको बारीक वाला चूरा करना, बारीक चूरा करना है जी। ये ब्रेड का चूरा जो अपन ने करा था ये जैसे मिक्स कर देता जी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसमें हमने ब्रेड का जो चूरा बनाया था उसको डाल दिया है और इसे मिक्स कर रहे हैं। कि ब्रेड डालने के बाद थोड़ी देर अपन इसको उबाल लेंगे जी। उसके बाद अपन ने जो पूरा मैंगो लिया था जी, आधा मैंगो उसको क्रश कर लेंगे। अच्छा, आधे के पीसेस कर लेंगे। अच्छा, तो आधे मैंगो को ही हमने क्रश कर लिया था जी। बिल्कुल जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने आधे मैंगो को क्रश कर लिया है और आधे मैंगो के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने, छोटे छोटे टुकड़े करने जी। रबड़ी एकदम से गाढ़ी हो गई है जी। अब अपन शुगर मिलाएंगे इसमें जी। ये देखिए, मीठा थोड़ा कम डलेगा इसमें क्योंकि मैंगो ऑलरेडी मीठा रहता है। ओके, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो, ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा थोड़ा, बाकी तो थोड़ी शक्कर इसमें कमी लगेगी। ओके, तो मैम ये जो दूध को हमने इतनी देर तक गैस पे रखा है वो कितनी देर तक रखा था। ये कम से कम 10 मिनट हो गए होंगे अपने को। 10 मिनट तक, 10 मिनट रखना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही है। देखिए जी, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे रबड़ी रहती है। हाँ जी,
तो ये बनकर तैयार है जी। इसमें बस ये अपने को ही मिलाना है, और ये मैंगो ऐड करना है। शक्कर एक बार मैश हो जाए अच्छे से जी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने इसमें शक्कर भी डाल दी है। इसे अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें मैंगो ऐड करेंगे। ये हो गया, एक बार शक्कर हो गई है, इसमें अपन ये जो मैंगो जो क्रश करा था जी ये डाल देंगे। क्रश किया हुआ मैंगो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि शक्कर बिल्कुल मैश हो चुकी है उसमें। तो आप सब देख सकते हैं मैंगो इसमें ऐड करने के बाद मैम इसका देख लीजिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। मैंगो डालने के बाद ये और गाढ़ी हो गई है। मैम मैंगो डालने के बाद इसको कितनी देर तक हमें पकाना है? बस एक मिनट, एक मिनट आप पका लेंगे जी। एक मिनट और अपने को गैस ऑफ करना है इसके बाद। ओके, ये करीब करीब हो चुकी है क्लियर हमें जी। गैस बंद कर दो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हो गया है और गैस मैम ने बंद कर दी है। आगे मैम अब इसमें हम क्या करने वाले? इसमें अपन थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये थोड़े से छोटे छोटे जो पीसेस करे थे मैंगो के जी वो डालेंगे। जिससे कि आप देख सकते हैं मैम ने मैंगो के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। मैम क्या इनको बड़ा भी रख सकते हैं या फिर छोटे ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे जी? तो अब आप भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे इनके पीसेस कर लीजिए। इसको अपन थोड़ा अच्छे मैश कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं जो रबड़ी हमने तैयार की थी उसमें कटे हुए मैंगो भी हमने ऐड कर दिए हैं और उनको थोड़ा अच्छा मिक्स कर लेंगे जी। तो इनको अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं जी। मुझे लगता है लगभग तैयार हो चुकी है ये, अच्छे से मिक्स हो गई है अपनी रबड़ी जी। इसके बाद अपन इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम, इलायची पाउडर जी, और भी ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो मिला सकते हैं, काजू किशमिश जो भी आपको जो पसंद हो। मैम आपने बादाम पीस कर डाले हैं इसमें जी जी। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर मैंगो रबड़ी तैयार हो गई है। सब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे जी। ये रबड़ी बनकर तैयार है, इसको अपन थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे जी। टाइमिंग 15-20 मिनट तो रखनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आम की रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हमें इसे 10-15 मिनट तक फ्रिज में रखना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंगो रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। फटाफट से आपको दिखाते हैं इसका क्विक व्यू। टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि मैंगो रबड़ी कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी ये मैंगो रबड़ी बनी है और फ्रिज में रखकर जब इसको बाहर निकाला है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा रहेगा जी, आपकी ठंडी ठंडी चीज़ें जी बहुत ठंडी रहती है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी डिश जो इजीली हम बना सकते हैं इतना सब कुछ उसके बारे में बताने के लिए। रेखा जी ने बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही इजीली ये डिश जो है मैंगो रबड़ी वो हमें बनाकर दिखाई। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये पसंद आई होगी और आप घर पर इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप किचन क्वीन बनना चाहती हैं तो स्क्रीन पे दी गए हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकती हैं और आप भी बन सकती हैं किचन क्वीन। इसी के साथ अब वक्त चला है आप सभी से विदा लेने का।
मुझे यानी शाहिना को दीजिए विदा, गुड बाय एंड टेक केयर।